सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था तो जापान के लोगों की जिंदगी एक सेकंड में बर्बाद हो गई थी। लेकिन क्या होगा अगर अमेरिका या कोई और देश चंद्रमा पर परमाणु बम गिरा दे? हमेशा की तरह आपको जबरदस्त जानकारी देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के कीजिएगा। देखिए, चंद्रमा के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वह सन की रेडिएशन के लिए हमेशा एक्सपोज रहता है। तो मान लो अगर हमने अपनी अर्थ से 50-100 परमाणु बम उसके ऊपर जाके फोड़ भी दिए ना, तो इनके रेडिएशन से कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं, थोड़े छुट्टे पुट्टे गड्ढे हो जाएंगे चंद्रमा में। लेकिन मान लो हमने ऐसा परमाणु बम बना भी लिया जो चंद्रमा को प्याज बम की तरह टुकड़ों में फोड़ दे, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो चंद्रमा के खत्म होते ही जो हमारी रातें हैं वो हद से ज्यादा काली हो जाएंगी। लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बात ये होगी कि चांद हजारों छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स में टूट जाएगा और उनमें से बहुत सारे एस्टेरॉयड्स धरती की तरफ आना शुरू कर देंगे और वो जहां जहां गिरेंगे इंसान या जानवर सबकी जिंदगी तबाह कर देंगे। और चंद्रमा के बिना मौसम और दिन रात की ड्यूरेशंस और टाइमिंग्स सब चेंज हो जाएंगी, मतलब तबाही तय है।